उतरकर काम शुरू कर दिया है और इस वक्त ये हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। विक्रम लैंडर ने चांद से ये पहली तस्वीर भेज दी है, यानी कि जो विक्रम लैंडर है वो फिलहाल बाहर आ चुका है और विक्रम लैंडर ने चांद से ये पहली ऐतिहासिक तस्वीर इस वक्त भेज दी है। आपको बता दें कि ये 6:04 पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने ये पहली तस्वीर भेजी है, अपने आप में ऐतिहासिक क्षण। हमारे सहयोगी राघवन और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, ये पहली तस्वीर बेहद अहम पल भारत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कितनी तेजी से डाटा प्रोसेस हुआ है, ये बात को भी दिखाता है ये तस्वीर। आप इसको समझिए, जो परछाई आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये लैंडर का लेग है, एक पाया जो है वो नजर आ रहा है, उसके बाद जो ये जो मून का सरफेस है यहाँ पर आप रिलेटिवली देख सकते हैं कि सारी जो पिक्चर है वो लगभग समतल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा या कोई बड़ा पहाड़ जिसकी लगातार चर्चा सुबह से हो रही थी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मार्ग बहुत प्रशस्त हो गया है कि जब हमारा विक्रम जो लैंडर है उसमें से प्रज्ञान रोवर जो निकलेगा वो बड़ी आसानी से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करना है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उसको कर पाएगा। बहुत ही बेहद खास तस्वीर, क्योंकि 6:04 पर टच डाउन किया था, उसके बाद देखिए करीब 1.5 घंटे में ये पहली पिक्चर जो है प्रोसेस होकर आ गई है। कुछ देर में हम देखेंगे कि इसरो इसे ट्वीट भी करेगा, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पिक्चर की अहमियत क्या है। इस पिक्चर की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि जितने भी इसके जो पैरामीटर्स हैं लैंडर के लैंडिंग के बाद वो भी बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरास इसमें माउंटेड हैं और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की लगातार बात हो रही है वो भी अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो लम्हे का इंतजार है वो जब जो विक्रम लैंडर से हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और वो 500 मीटर की चहलकदमी जो है वो चांद की सतह पर करेगा। अब इस बात का इंतजार हो रहा है और हमें बताया गया है इसरो के एक वैज्ञानिक की तरफ से कि करीब 11 बजे तक ये प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है अगर वहां पर जो फाइन पार्टिकल डस्ट है वो पूरी तरह से वहां सेटल हो जाए। खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर चंद्रयान ने जो पहली तस्वीर भेजी है चांद से वो आप देख रहे हैं इस वक्त। चांद की सतह की पहली तस्वीर विक्रम लैंडर ने ये तस्वीर भेजी है। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंच गया, आप एक परछाई सी भी देख रहे होंगे इसके अंदर। विक्रम लैंडर की उतरने के बाद ये पहली तस्वीर है जो चांद की सतह की उसने खींच करके भेजी है। आप देखिए कितना जल्दी ये पिक्चर जो है उसने खींच करके और वहां चांद से पृथ्वी तक भेज भी दी। और इसके बाद जैसा अभी आपको बताया राघवन ने, अब इसका जो रैंप है वो थोड़ी देर में खुलेगा और उसमें से फिर वो रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले अपने वहां पहुंचने की कॉन्फर्मेशन वो विक्रम लैंडर ने आपको दे दी है, यानी यहां धरती को भेज दी है कि मैं चांद की धरती पर पहुंच गया हूं। और ये उसका प्रमाण, ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त चांद की सतह की तस्वीर जो विक्रम लैंडर ने वहां पहुंचकर अब खींच करके भेजी है। और आप राघवन, इसमें हमको तस्वीर में जो नीचे दिखाई दे रहा है परछाई जैसा, ये हो सकता है लेग्स हो जो पॉड्स हैं इसके विक्रम लैंडर के वो हों। जी बिल्कुल, देखिए जो परछाई आपको नजर आ रही है सौरभ वो विक्रम लैंडर का एक लेग है और इसी विक्रम लैंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर कैमरा माउंटेड है और उसी कैमरे से पहली ये तस्वीर ली गई है। जैसा हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे, जो इक्विपमेंट इसके ऊपर माउंटेड हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरा हैं, इसीलिए हमको इतनी साफ पिक्चर मिल पाई है। और ये पिक्चर इस बात को भी दर्शाती है कि जो डस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि लैंडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा धूल वहाँ पर उड़ने वाली है, उस डस्ट को सेटल होने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। और आइए अब देखते हैं हकीकत क्या है। हिंदुस्तान पहुंचा चांद पर, सोचिए और दिमाग पर जोर देके जरा सोचिए, अभी चांद पर हिंदुस्तान के वो पहुंचे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं लेकिन सियासत शुरू हो गई है। चांद पर हिंदुस्तान को किसी नेता ने नहीं पहुंचाया, ये किसी नेता की पर्सनल विक्ट्री नहीं है, ये चंद्रयान की जय है, हिंदुस्तान की जय है, विज्ञान की जय है, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है, हिंदुस्तान की प्रतिभा का पराक्रम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चंद्रयान 3 की विजय में परिवार का रोल दिख रहा है। कांग्रेस ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी का नाम काउंट करवा दिया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को दरअसल एक तस्वीर नहीं पच पा रही। जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहरा रहे थे। इसरो ने लाइव टेलीकास्ट में मोदी की तस्वीर भी दिखा दी।
अब इसी तस्वीर को बार बार घुमाया जाएगा, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 11 मिनट देश को संबोधित किया और उन्होंने इसरो चीफ को फोन भी किया। एक सेकंड के लिए भी उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, हिंदुस्तान की बात थी, बीजेपी का झंडा कहीं नहीं था, तिरंगा ही था, लेकिन मोदी विरोधी अपने काम पर लग गए। चांद पर झंडा गाड़ना, उस दक्षिणी ध्रुव तक जाना जहां कोई मुल्क नहीं पहुंच पाया, इस रेस में रूस को हराना, एक बार फिर फेल होने के बाद दूसरी बार फिर मिशन पर लग जाना, यह हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति की वजह है। इसलिए आज सियासी चक्कर में मत फंसिए, कोई नहीं है टक्कर में, यह रिपोर्ट देखिए और सच में आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। Currently, only two engines are now being fired. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इतिहास कैसे रचा जाता है? हिंदुस्तान में दिखा दिया, दुनिया को बता दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति से, वैज्ञानिक इच्छा शक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है, ये देश ने देखा, दुनिया ने देखा और अब तो खुद चांद ने भी देख लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट टू हियर from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module puri tarah se safely aur softly chandrama ke satah pe land ho chuka hai. Ye hum logon ke liye bahut hi garv ki baat hai. Hindi mein ek kahawat hai ki chanda mama dur ke, lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama apne ghar ke. Adarniye Pradhan Mantri ji, namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, चेहरे खिलखिला उठे, लोग भावुक हो उठे, आंसू रुके नहीं, तालियां बजने लगी, नॉनस्टॉप बजी, कई मिनटों तक बजी। बेंगलुरु के इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में जोश हाई, हिंदुस्तान के कोने कोने में देश के बच्चे बच्चे का दिल बाग बाग हो गया। हो भी क्यों ना, हमारा चंद्रयान 3 चंदा मामा से मिलने जो पहुंच गया, सही सलामत पहुंच गया। बेंगलुरु से करीब 7000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का सीना चौड़ा हो गया। चांद पर तिरंगा लहराया, हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल को फतह किया, पूरी दुनिया ने मोदी की लीडरशिप वाली न्यू इंडिया का लोहा माना। स्पेस एक्सप्लोरेशन के 66 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो कभी नहीं हुआ, जो कोई न कर सका, वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। 66 साल में दुनिया चांद के जिस कोने के करीब नहीं जा पाई, हिंदुस्तान ने वहां अपने चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है।
ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को